कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच आरएसएस को लेकर किए विवादित ट्वीट पर आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परिवार के इशारे पर संघ का अपमान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी करार दिया। संबित पात्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के ट्वीट को लेकर राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत फैला रहे हैं। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है। पात्रा ने उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करार दिया। राहुल गांधी नदारत रहते हैं और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं। वहीं कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना और बीजेपी आरएसएस के किए गए नुकसान की भरपाई करना है। कदम दर कदम ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। पात्रा ने पूछा कि क्या राहुल केरल में संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या कराना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं टी शर्ट और कपड़ों पर बात नहीं करना चाहता।